नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिपुरा स्टेट के बारे में। हम भारत के हर एक स्टेट के बारे में अध्ययन करेंगे, उसमें व्याप्त हर एक चीज़ के बारे में उसका आकलन करेंगे और आगे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो सारी की सारी स्टेट के ऊपर होगी और इस तरह से हम पूरा इंडिया को कवर कर लेंगे। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए हम जल्दी से त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं। त्रिपुरा का एक इमेज अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि त्रिपुरा में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू त्रिपुरा। तो ओवरव्यू हम अगर इसका देख लें तो ये थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का। सबसे छोटा है गोवा, फिर सिक्किम, फिर उसके बाद त्रिपुरा। एरिया इसकी कितनी है? 10,491 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है। पॉपुलेशन कितनी है इसकी? पॉपुलेशन 36.6 लाख या 3.6 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। कैपिटल इसकी अगरतला है। शुरुआत में पहले उदयपुर इसकी कैपिटल हुआ करती थी लेकिन बाद में इसको अगरतला चेंज कर दिया गया। और हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछता है, एग्ज़ाम में ये पूछता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो तीन ओर से किसी देश से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा है। तो ये अपने वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में बांग्लादेश से घिरा हुआ है और ईस्ट में ये आसाम और मिजोरम से घिरा हुआ है। आगे हम मैप में देखेंगे कि किस तरह से इसका लोकेशन डिफाइन है। तो सबसे पहले हम लोकेशन के बारे में देखेंगे। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट है कि इस देश का नाम, जो पुराने ज़माने में इसको जाना जाता था, इसे कीरत देश के नाम से जाना जाता था। तो पूरे त्रिपुरा में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? नॉर्थ त्रिपुरा, उनाकोटी, ढलाई, खुवाई, वेस्ट त्रिपुरा, सिपाही जाला, गुमाटी और साउथ त्रिपुरा। तो ये 8 जिलों में पूरा स्टेट बटा हुआ है। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है आपका त्रिपुरा। ठीक है, ये नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ हो गया, ठीक है, नीचे साउथ, इधर आपका वेस्ट हो गया। तो ये तीन ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है और यहाँ पे देखिए असम, ईस्ट में असम और मिजोरम से घिरा हुआ है। तो ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई। एक चीज आप और गौर कीजिए कि यहाँ पे इसका सी शोर नहीं है, यहाँ पे आपका सी शोर नहीं है, ये तीन ओर से लैंड से घिरा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत जो जियोग्राफिकल में इसकी सबसे बड़ी बाधा बनती है वो ये है कि ये अपने से दूसरे राज्य तक या पूरे देश तक केवल एक हाईवे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमको त्रिपुरा से हमको सेंट्रल इंडिया जाना हुआ तो NH44, हमें NH44 से जाना पड़ेगा। NH8 था, NH44 दोनों एक ही है। पहले शायद 8 था या मैं कंफ्यूज है, 8 था या उसको 44 किया गया है बाद में, ठीक है, या 44 था उसको 8 किया गया, ऐसे कुछ है। तो त्रिपुरा से अगर मान लीजिए असम जाना हुआ तो यहाँ से जा सकते हैं, सेंट्रल इंडिया जाना हुआ तो हम इधर से जाएंगे। तो केवल एक हाईवे के जरिए ये बाकी अदर स्टेट से कनेक्ट है। तो ये हमारी 7 सिस्टर्स हैं। 7 सिस्टर कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो आज ये हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी हिस्ट्री कैसी है? तो हिस्ट्री में इस पूरे राज्य के ऊपर एक डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम है माणिक्य डायनेस्टी। ठीक है, और इसी माणिक्य डायनेस्टी के जो सबसे लास्ट रूलर थे वो थे कीरत विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देव वर्मा। इसके बाद ये भारत में विलय हो गया, ये लास्ट रूलर थे यहाँ के। ठीक है, माणिक्य डायनेस्टी के टोटल इस पे 184 किंग्स ने त्रिपुरा पे रूल किया है। इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? त्रिपुरा का उल्लेख हमें किस में देखने को मिलता है? तो महाभारत में और अशोक के जितने इपिक्स हैं वहाँ पे त्रिपुरा को मेंशन किया गया है। ठीक है, रूलर्स रूल्ड त्रिपुरा ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मीन्स इन्होंने अपने राज्य का शासन ब्रिटिश शासन के तर्ज पे चलाया। ठीक है, तो इसलिए जब आप वहाँ पे कभी घूमने जाएंगे तो वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो बिल्डिंगें बनी हैं ये अंग्रेज जो बिल्डिंग बनाते थे उसके समकालीन हैं। इनिशियली इट्स कैपिटल वॉज द उदयपुर। ओके, तो शुरुआत में इसकी कैपिटल जो थी वो उदयपुर थी लेकिन बाद में इसको अगरतला चेंज कर दिया गया। लास्ट किंग मैंने बताया माणिक डायनेस्टी का कौन था? कीरत विक्रम किशोर चंद्र माणिक के बहादुर देव वर्मा। ये 26 जनवरी 1950 को त्रिपुरा को
सी कैटेगरी स्टेट में शामिल किया गया। सी कैटेगरी स्टेट के पास थोड़ी एडिशनल उसको एक कैटेगरी में रखते हैं, मतलब कि वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से उसकी ट्राइबल लोकेशन है, क्या उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। वहाँ पे अगर हम उसको मान लीजिए विशेष पावर दे देंगे तो वहाँ पे बाद में आपका कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना हुआ वहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ट्राइब्स को धीरे धीरे मॉडर्न इंडिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उससे वो लोग जोड़ते जाएंगे। इसलिए आप अभी वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम ट्राइब्स जितनी हैं उसमें से हर एक परिवार में से कोई ना कोई तो गवर्नमेंट जॉब में आ ही जा रहा है। यानी अब धीरे धीरे लिटरेसी रेट वहाँ की बढ़ रही है और आपको विश्वास नहीं होगा वहाँ की लिटरेसी रेट 85 या 87 के आसपास लिटरेसी रेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप सोच लीजिए कि जहाँ पे ट्राइब्स रह रही है, जहाँ पे विलेज वाला पूरा माहौल है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें या वहाँ पे लिटरेसी रेट का बढ़ना कितनी बड़ी बात होगी, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को त्रिपुरा सी कैटेगरी स्टेट में शामिल हो गया। अब ये इंडिया को कब ज्वाइन किया, इंडिया को इसने ज्वाइन किया 1949 में, 1949 में इंडियन रिपब्लिक के साथ ये जुड़ गया, ठीक है। इंडियन रिपब्लिक के साथ इसका विलय हो गया। 1 नवंबर 1956 को इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया और फुल स्टेटहुड कब मिला इसको, 21 जैन 1972 को इसको फुल स्टेट पूर्ण राज्य की अनुमति मिल गई। त्रिपुरा गेट्स इस नेम फ्रॉम संस्कृत वर्ड कॉल्ड हिंदू गॉड इज ब्यूटी कार्ड त्रिपुर सुंदरी, ठीक है। तो देखिए इसका दो चीज़ें इसमें मानी जाती हैं कि एक बहुत पुराने समय में एक त्रिपुर नाम के एक राजा राज्य करते थे, उसके उनके नाम पे इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। या दूसरा भी ये भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे त्रिपुरा में एक देवी की पूजा होती है जिनका नाम है त्रिपुर सुंदरी और उनके नाम पे ही त्रिपुरा का नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये जो लास्ट रूलर है वहाँ के और ये जो है देवी हैं जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है त्रिपुर सुंदरी, जिनके नाम पे यहाँ का नाम पड़ा है, ठीक है। तो त्रिपुर सुंदरी हैं ये और ये हैं लास्ट रूलर वहाँ के। स्टेट सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट एनिमल जो है वो फेयर लीफ मंकी है। फेयर लीफ मंकी कौन सी है, ये देखिए ये है फेयर लीफ मंकी। स्टेट बर्ड ग्रीन इंपीरियल पिजन, जिसके पंख का कलर हरा होता है उसके नाम पे यहाँ उसके उसको सिंबल रखते हुए स्टेट बर्ड उसको बनाया गया। स्टेट फ्लावर होती है इंडियन रोज चेस्टनट, ठीक है, ये है इंडियन रोज चेस्टनट। और स्टेट ट्री कौन सा है, अगरवुड है। तो यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं कि ये स्टेट एनिमल हो गया, ठीक है, उसके बाद स्टेट बर्ड हो गया, स्टेट ट्री हो गया और उसके बाद स्टेट फ्लावर हो गया, स्टेट सिंबल हो गया, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं लैंग्वेजेस पे। देखिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो कोक ब्रोक बोली जाती है, ठीक है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, कोक ब्रोक। उसके बाद उसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कोक ब्रोक इंग्लिश बंगाली है। बंगालियों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ हिंदू की भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। आगे मैं बताऊँगा क्यों हिंदू की पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा है। अदर में कौन कौन सी बोली जाती है, अदर में तो वैसे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मैं जो मेन मेन है वो आपको कवर कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा याद करना ना पड़े। तो मणिपुरी, हिंदी, उड़िया, गारो, ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस हो गई। अब वहाँ की माउंटेन रेंजेस के बारे में देख लेते। देखिए पूरा त्रिपुरा जो है तीन पार्ट में डिवाइड है, एक हिली है, एक प्लेटू है जिसको हम पठारी बोलते हैं और एक एलुवियल लैंड है जहाँ पे खेती की जा सकती है। वहाँ पे त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा खेती चावल की जाती है और चावल किस लैंड में होगा, चावल वहाँ के जो एलुवियल लैंड है वहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ की हम माउंटेन रेंजेस के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो माउंटेन रेंजेस देखिए वहाँ पे कौन कौन सी हैं, बोरोमूरा है, ठीक है, अठरामूरा है। अगर आपको याद करना हो, देखिए दोनों के लास्ट में मूरा आ रहा है तो मूरा से याद कर लीजिए और त्रिपुरा में भी लास्ट में सेम टोन है तो इस तरह से याद कर लीजिए, बोरोमूरा, अठामूरा, ठीक है, लोंगथराई, शखान। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये यार, जामपुई हिल जो है ना वहाँ पे अगर आप पहाड़ पे खड़े हो जाएगा ऐसा लगेगा कि सूरज जो है वो पहाड़ से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जामपुई हिल्स पे ही वहाँ की जो सबसे ऊंची पीक है वो है बैटलिंग चिप, जो 3050 फीट ऊंची है। तो वहाँ की सबसे ऊंची, त्रिपुरा की जो सबसे ऊंची पीक है वो कौन सी है, वो है जामपुई हिल्स, ठीक है।
डांसेस कौन कौन से होते हैं, देखिए वहाँ पे हर अलग अलग तरह की कई सारी ट्राइब्स रहती हैं, बहुत सारे ट्राइब्स वहाँ पाए जाते हैं, कुछ वहाँ की ओरिजिन है ट्राइब्स, कुछ ट्राइब्स बाहर से आई हैं, बर्मा से आई हैं, कुछ मेघालय से आई हैं, तो हर एक ट्राइब का उनका यूनिक कल्चर, यूनिक लैंग्वेज और यूनिक आर्टिस्टिक सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो अपने अपने तरीके से रहते हैं समाज में, सारे ट्राइब घुल मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हर एक ट्राइब की एक यूनिक डांस होती है। तो मैं यहाँ पे कुछ डांस का नाम बता दे रहा हूँ, झूम डांस, ठीक है, गरिया, ममिता, मोसाक सुलेमानी, होजागिरी, बिहू, तो ये सारी वहाँ की डांस की कल्चर हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, राजबरी नेशनल पार्क है, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिपाही जाला, ये मतलब यहाँ पे हर एक जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो देखने लायक होती है, और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देख सकते हैं आप क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये बहुत दुर्लभ प्राणी है, ये कहाँ पाया जाता है, तो त्रिपुरा के क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर की अब हम बात करें तो ये जान लीजिए कि पूरे त्रिपुरा का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है, वहाँ पे झूम सिस्टम से खेती करते हैं, ठीक है, जैसे एक लैंड पे खेती की है वहाँ की उर्वरता कम हो गई, दूसरे भूमि पे जाएंगे खेती करेंगे तब तक पहले वाली की उर्वरता वापस आ जाएगी, तो इस तरह से घूम घूम के अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को वो उगाते हैं, मार्केटिंग मार्केट में जाके उसको बेचते हैं और उसी से उनका जीवन यापन चलता है। इसके अलावा बैम्बू और हाथ से जो बुनाई करने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो भाई बहुत विख्यात है, मतलब समझ लो कि आप देख सकते हो जैसे कि फोटोज़ में ये सारी की सारी हाथ से बनाई हुई हैं, वहाँ बैम्बू और जो बेत होती है, बैम्बू और बेत, बेत को कहते हैं केन, ठीक है, बैम्बू एंड केन आर द मेन एंड लॉट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर मेड, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स जितने मेड होते हैं वो भाई एक नंबर के होते हैं, मतलब इतने अच्छे ढंग से उसको बनाया जाता है कि आप लोग इसमें मजबूती भी होती है, तो वहाँ पे इसके अलावा, ठीक है, खेती तो करते हैं उसके अलावा अपने हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, इसके अलावा वो यहाँ फलों की खेती भी बहुत अच्छी खासी होती है, यहाँ पाइनएप्पल, ऑरेंज, कैश्यू नट, जैक फ्रूट, कोकोनट, टी, रबर, इन सब की भी खेती की जाती है यहाँ पे। आते हैं इसके ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू इट, ठीक है, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 स्टेट से पास होता है, आप कमेंट में बताइए कि वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। द स्टेट हैज थ्री डिस्टिंक्ट फिजिक ऑफ इट जोन, ठीक है, तो इसकी फिजियोग्राफिक जोन अगर हम देखें तो तीन तरह के मैंने बताया था, एक हिली है, एक प्लेटू है, और एक वो लैंड जहाँ पे चावल वगैरह उगाया जाता है, एलुवियल लैंड जितने हैं, ठीक है, जलोढ़ मृदा जहाँ पे है। एनुअल रेनफॉल कितना होता है, 192.2 सेंटीमीटर से लेकर 285.5 सेंटीमीटर यहाँ एनुअल रेनफॉल होता है, ठीक है, और रेनफॉल में ये जो रेन कहाँ से आता है, ये रेन आता है साउथ वेस्ट मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से चलती है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट हो गया, यहाँ से पूरे भारत में 90% जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, ठीक है, और इसी साउथ वेस्ट मानसून, यही साउथ वेस्ट मानसून जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जाता है तो पूरे सेवन सिस्टर्स में बारिश जो करता है, ब्रह्मपुत्र की घाटी हुई, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, इन सब जगह बारिश साउथ वेस्ट की, साउथ वेस्ट मानसून की जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जो शाखा जा रही है वहाँ पे बारिश जो होती है साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से होती है। यहाँ की क्लाइमेट कौन सी पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है, जो अफ्रीका में भी पाया जाता है, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट पाया जाता है, साउथ वेस्ट मानसून हो गया। जी आई टैग क्या है, जी आई टैग यहाँ की त्रिपुरा क्वीन एप्पल, यहाँ की जी आई टैग है, ठीक है,
जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको बोलते हैं, हर एक जगह का वहाँ का एक अपना जीआई टैग होता है जो फेमस होता है। ऑल मेजर रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिल रेंज, जितनी मेजर रिवर्स हैं जैसे गुमाटी वगैरह हुई, गुमाटी वहाँ की सबसे बड़ी रिवर है, तो ये सारी कहाँ से निकलती हैं, ये सारी हिली रेंजेस से निकलती हैं। और मेन पानी का जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। फूड हैबिट में अगर वहाँ देखा जाए तो यहाँ पे लगभग सभी तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, चाहे वो मांस हो चाहे हरी साग सब्जी हो, क्योंकि यहाँ ट्राइब्स पाई जाती हैं। और ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं जो शिकारी होती हैं, और शिकारी ट्राइब्स मांस तो उनको खाना ही खाना है, ठीक है। तो चाइनीज कुजीन जो यहाँ की बहुत फेमस है, डक रोस्ट, राइस, फिश, चिकन, मटन, पोर्क, बीफ, फूड प्रिपेयर्ड बाय अंडर द बैम्बू पाइप्स। तो यहाँ पे जब आप कभी त्रिपुरा घूमने जाएंगे तो वहाँ कई ऐसे फूड होते हैं जो बैम्बू पाइप्स के अंदर उनको पकाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं जल्दी जल्दी हम इसको कवर कर रहे हैं, ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, हल्का फुल्का सबका हम देख लेंगे जितनी ट्राइब्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भील ट्राइब, ये ओल्डेस्ट ट्राइब इन इंडिया है और ये मालवा पठार से बिलोंग करती है। मालवा पठार कहाँ पड़ता है, मालवा पठार वही पठार जहाँ से चंबल नदी बहती है, ठीक है, चंबल के डाकू जहाँ पे पाए जाते थे। तो दे बिलोंग्स टू राजस्थान, मालवा, गुजरात, एमपी, बिहार। दे स्पीक लैंग्वेजेस ऑफ द्रविड़ियन ओरिजिन, इन लोग की लैंग्वेज कौन सी होती है, जो द्रविड़ियन ओरिजिन की जो लैंग्वेजेस हैं, साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं वो ये लोग बोलते हैं। पॉपुलेशन कितनी है, 3100 है वहाँ पे त्रिपुरा में। दे कम फ्रॉम त्रिपुरा फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया से आए थे। अब क्यों यार, ये भी सोचते होंगे ना, एक टाइप दूसरी एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाती है, ताकि वो अपने जीवन का निर्वहन और अच्छे तरीके से कर सके और अच्छे रोजगार उपलब्ध हो सके। और वहाँ पे जो ट्राइब्स होती हैं आपको मालूम जंगलों में रहती हैं, और पूरे साउथ नॉर्थ ईस्ट में जंगल भी अच्छे खासे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। देयर इकोनॉमी इज सेंट्रलाइज्ड विद द टी गार्डन, बैकफील्ड एंड एग्रीकल्चर, जो इनकी इकोनॉमी होती है वो टी गार्डन, बैक ब्रिकफील्ड और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होती है, ठीक है। दे लिव इन खोवाई सब डिविजन ऑफ नॉर्थ त्रिपुरा, वो खोवाई जो डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया था, वो खोवाई के रीजन के आसपास में ये लोग रहते हैं, ठीक है। भील्स आर हिंदू बाई रिलीजन, अब मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम ट्राइब्स पाई जाती हैं वो हिंदू धर्म को ही अपनाती हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने बाद में क्रिश्चियनिटी को उसमें से कई लोगों ने अपना लिया था, लेकिन अभी भी फिर भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहाँ हिंदुओं की है। लॉर्ड शिवा एंड दुर्गा भील्स इन अदर, यहाँ पे लॉर्ड शिवा और दुर्गा माता जी को पूजा जाता है, ठीक है, भील्लो द्वारा। भील्स इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री आर वेल लिटरेट एंड एंजॉय इन मॉडर्न वे ऑफ लाइफ, ओके। तो जितने हैं अब धीरे धीरे करके वो शिक्षित होते जा रहे हैं, और शिक्षित होने के साथ ही वो अपने परिवार का निर्वहन भी इसी कदर कर ले रहे हैं। भूटिया पाई जाती है, भूटिया हिमालयन ट्राइब है, ठीक है, निग्लिजिबल इन त्रिपुरा, बहुत कम अमाउंट में पाई जाती हैं। शैमल, शैमल जो होती है इज़ अ स्मॉलेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ त्रिपुरा, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में ये भी पाई जाती है। लीव ये झूम कल्टिवेशन पे, देखिए मैक्सिमम ट्राइब जो है ना वो झूम कल्टिवेशन पे ही डिपेंड रहती हैं, ठीक है, चाय के बागान में काम करती हैं, अपने साग सब्जी फल फूल उगाती हैं। दे आर हिंदूज, हिंदू हैं, एंड फॉलो ऑल द राइट्स एंड रिचुअल एज पर हिंदू कस्टम, ओके। सो अगला है चमकास, चमकास जो है आर वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन स्ट्रेंथ, यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक बड़ी अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। चमकास नोन टू बी द साउथ ईस्ट एशिया, ये लोग कहाँ से आए थे, ये साउथ ईस्ट एशिया से आए थे, ठीक है। और अगला है, यहाँ पे थोड़ा गलत दिखा गया है, जो ये ट्राइब है वो झूम कल्टीवेशन पे डिपेंड होती है, प्लेन लैंड पे कल्टीवेशन करती है, और इनकी जो इकोनॉमिक सपोर्ट है ना, ये वेजिटेबल ग्रो करते हैं और उसको मार्केट में भेजते हैं। इसके अलावा चमकाही में ही बहुत सारे ट्राइब हैं जो फिशिंग करते हैं और उससे जो अर्निंग होती है उसके बल पे अपना परिवार चलाते हैं, ठीक है। अगला आता है गारो, गारो कहाँ की जनजाति है, तो गारो आपको मालूम होना चाहिए मेघालय की जनजाति है। मेघालय में तीन पहाड़ी हैं, कौन कौन सी हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, ठीक है, ये राजमहल पहाड़ियों का ही विस्तार है। तो यहाँ पे जो गारो हिल्स पे जो जनजाति पाई जाती है उसको गारो ट्राइब्स बोलते हैं। देयर मेजर कॉन्सेंट्रेशन आर एट उदयपुर सब डिविजन एंड सदर सब डिविजन ऑफ त्रिपुरा, ठीक है।
द मदर इन द फैमिली इज ट्रीटेड एज द हेड ऑफ द फैमिली, जो यहाँ मतलब इससे ये पता चलता है कि जैसे हम लोग के घरों में जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, हेड होते हैं, लेकिन इस जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो वहाँ की सर्वश्रेष्ठ होती हैं, वो पूरी फैमिली उन पर निर्भर होती है और वही उसकी स्वामित्व किसके हाथ में होता है उस परिवार का, वहाँ की महिलाओं के उस पर होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट देयर फॉर गोज टू द नेक्स्ट डॉटर और टू द फैमिली। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि प्रॉपर्टी की जो राइट होती है वो हमसे चला गया, पिताजी से चला गया हमसे, फिर मेरे लड़के का आएगा, इस तरह वहाँ पे क्या होता है, गारू जो जनजाति है वहाँ पे माताओं के बाद उनकी जो बेटियाँ होती हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिलती है। अगला जो है उसको बोलते हैं उचवी जनजाति, ठीक है। दे हैव माइग्रेटेड इन त्रिपुरा फ्रॉम अकारान, जो अकारान योमा है ना, अकारान योमा क्या है कि हिमालय का ही म्यांमार में विस्तार जो है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, अकाराम योमा बोलते हैं, ठीक है। अकाराम योमा जो है वहाँ से ये जनजाति आई है। ये झूम कल्टिवेशन पर डिपेंड होती है और धर्म के हिसाब से हिंदुइज्म है। They still depend on many other economic factors, ठीक है, like food gathering activities and forest। तो वहाँ मैंने बताया कि tribes maximum क्या करती हैं, tribes करती हैं खेती करती हैं, शिकारी करती हैं, शिकार होते हैं, अच्छे कुशल शिकारी होते हैं वो। इसके अलावा handicraft products बनाते हैं, किससे, बेत और बांस से। अगला आता है त्रिपुरी, जो सबसे बड़ी जनजाति है त्रिपुरा की है वो है त्रिपुरी जनजाति, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 5,43,000 के आसपास है। त्रिपुरी इज न्यूमेरिकली हाईएस्ट इन नंबर एमंग ऑल द ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ जो त्रिपुरी जनजाति है सबसे अधिक नंबर में भी पाई जाती है। ये त्रिपुरा वॉज अंडर द रूल ऑफ त्रिपुरी किंग्स टिल इट मर्जेस विद इंडियन डोमिनियन इन ईयर 1949। त्रिपुरीज आर मेनली हिंदू, ठीक है, ये क्या है, मेनली ये हिंदू हैं, सबसे बड़ी मतलब हिंदू को 85% के आसपास हिंदू हैं लगभग त्रिपुरा में। तो आप अभी देख रहे हैं जैसे कि आप पढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम ट्राइब्स क्या है, हिंदू हैं, वो बाद में कुछ उनमें से क्रिश्चियनिटी को अपना लिए थे, ठीक है। संथाल, देयर ओरिजिन होमलैंड्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार एंड मध्य प्रदेश। तो इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ कहाँ है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये यहाँ पे चाय की बागानों में काम करते हैं। इसके अलावा ये भी हिंदू में ये इनका रिलीजन क्या है, हिंदू है। एग्रीकल्चर और हंटिंग में ये इससे अपना वो जीवन का निर्वहन करते हैं, ठीक है। रियांग, जो रियांग है आर द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन त्रिपुरा। सबसे पहले त्रिपुरा में ये जो त्रिपुरी जनजाति है वो है सबसे हाई अमाउंट में। फिर उसके बाद कौन सी है, रियांग है। रियांग आर द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन त्रिपुरा। पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 1,88,000 के आसपास है। होमलैंड इनका कहाँ है, बर्मा, म्यांमार। म्यांमार का ही पुराना नाम बर्मा था, वहाँ पे भी अकाराम योमा जिसको बोलते हैं ना, वहाँ से ये सारी ट्राइब्स आई हैं। दे आर हिंदूज एंड डू झूम कल्टिवेशन, तो ये भी हिंदू है और झूम कल्टिवेशन पे डिपेंड है। ओरांग इज द इमिग्रेंट टाइप, ठीक है, ये भी बाहर से आई हुई है। अब कहाँ से आई है, ये बिहार, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में जो ट्राइब्स पाई जाती हैं वो यहाँ पे वहाँ से आई है, ठीक है। ये प्लेन ट्राइब है, मतलब ये लोग पहाड़ों पर नहीं रहते, ये नीचे जो प्लेन है वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। दे मेनली किस पे ये लोग डिपेंड है, ये लोग भी वही एग्रीकल्चर, प्लांटेशन वर्क, टी गार्डन में इन लोग का काम करना, ठीक है, ब्रिक फील्ड्स में इन लोग का काम करना, ठीक है। ये और ये भी इनकी जो सबसे खास चीज़ है, ये इनका जो आप कभी घर देखेंगे ना, इनके घर की जो दीवार होती है वो मड से बनी होती है, ठीक है, कीचड़ से बनी होती है और उस पर ब्रिक्स लगे होते हैं, इसके अलावा उस पर बैम्बू भी लगे होते हैं ताकि उसको मजबूती प्रदान कर सके। अगली आती है मुंडा, ठीक है। मुंडाज आर सेंट्रल इंडियन ट्राइब, जो बिहार के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के आसपास में। आर रिकॉग्नाइज्ड एज द इमिग्रेंट ट्राइब इन त्रिपुरा, ठीक है, ये भी इमिग्रेंट है, बाहर से आए हैं। ओरिजिनल होमलैंड क्या है, ये छोटा नागपुर का जो पठार है ना, छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है, वही कुछ भी हिस्सा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार का जो आसपास का जो जितना एरिया है,
वो पहले छोटा नागपुर पठार से जुड़ा हुआ था, मतलब पूरा वो छोटा नागपुर पठार है, और छोटा नागपुर पठार के बगल में राजमहल पहाड़ी है जिसका विस्तार में गारो खासी जयंती है जो मेघालय के पठार है वो है। ठीक है, बीच में आप देखते हैं बांग्लादेश, तो यही गंगा और ब्रह्मपुत्र ने क्या किया है, इसी राजमहल पहाड़ियों को बीच से काट दिया है जिसकी वजह से वहां पे बांग्लादेश बना और मेघालय एक आपका गारो खासी जयंती जो है राजमहल पहाड़ियों का विस्तार हो गया था। ठीक है, ये भी हिंदू हैं। और मोग, अगला था मोग, तो मोग माइग्रेंट ट्राइब्स, ये भी माइग्रेंट ट्राइब्स है। मोग सार डिपेंड अपॉन द झूम कल्टीवेशन। चाय पी लीजिए, जाइए, मना था अंकल बोले हैं। तो अगला आता है मोग ट्राइब। ठीक है, मोग्स आर डिपेंड अपॉन द झूम कल्टीवेशन बाय द रीजन, दे आर बुद्धिस्ट। ये क्या है, रिलीजन से बुद्धिस्ट है। ठीक है, अगली आती है लुशाई। लुशाई और कॉमनली नोन एज द मिजोस। ठीक है, ये इनको क्या बोलते हैं, मिजोस बोलते हैं। लुशाई लिव ऑन द झूम कल्टीवेशन एंड हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, दे ईट मीट ऑफ एनी काइंड ऑफ एनिमल एंड बर्ड, तो ये किसी चीज का भी मीट खा लेते हैं। बैम्बू डांस यहाँ का फेमस है, जो लुशाई का जो बैम्बू डांस है वो फेमस है, और ये बहुत पॉपुलर है वहाँ के जो त्रिपुरा में, ये जो बैम्बू डांस है ये बहुत फेमस है। और कौन सी जनजाति ये करती है, तो लुशाई जनजाति करती है। ठीक है, इसके अलावा जो जनजाति है वो है लिप्चा। लिप्चा इज अ ट्राइब ऑफ हिमालयन रेंज। ठीक है, ये कहाँ की ट्राइब है, ये हिमालयन रेंज की ट्राइब है। और इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से आई है। दे लार्जली रिसाइड्स एट मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम एंड दार्जिलिंग। ठीक है, ये मैक्सिमम जो इनका पाया जाता है लिप्चा जनजाति वो कहाँ है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, भूटान, सिक्किम और दार्जिलिंग, इस पास इधर आसपास के एरिया में ये लिप्चा जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और ये रिलीजन वाइज क्या है, बुद्धिज्म में। इसके अलावा जो ट्राइब्स पाई जाती हैं वो हैं खसिया, जमाटिया, हालामकुकी। ठीक है, तो ये सारी अदर ट्राइब्स हैं। तो ये आपको एक हल्का फुल्का मैंने ओवरव्यू दे दिया यहाँ की ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिल गया होगा इन ट्राइब्स का। अगला, टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन कौन सी हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन में जामपुरी हिल्स हैं, कमला सागर लेक है, हेरिटेज पार्क अगरतला है, उनाकोटी, कैलाशहर, ठीक है, गुनाबाटी टेम्पल उदयपुर, महामुनि, मनु बांकुल विलेज, इस तरह से आप देख सकते हैं। उजयंता पैलेस यहाँ का फेमस है, उजयंता जब भी कभी आप त्रिपुरा जाइएगा वहाँ का उजयंता पैलेस देखिएगा। ठीक है, इसी की बात मैं कर रहा था, ये किस तर्ज पे बना है, जो ब्रिटिश शासन में जैसे बिल्डिंगें बनती हैं उसके तर्ज पे बना है। नीर महल है, नीर महल भी देखने लायक है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि नीर महल किस लेक पे बना हुआ है, तो ये रुद्र सागर लेक पे बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सिपाही जाला जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको मैंने पीछे बताया था। इसके अलावा त्रिपुर सुंदरी का टेंपल ये फेमस है। देखिए यहाँ पे जो सबसे फेमस है ना, ये जामपुई हिल्स हो गई, जामपुई हिल्स हो गया, उसके बाद गुनाबट्टी टेंपल हो गया, त्रिपुर सुंदरी का टेंपल हो गया, सिपाही जाला हो गया, नीर महल हो गया और उजैनता पैलेस हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये मैंने इसलिए आपको दिखा दिया है ताकि कभी आप घूमने अगर उधर जाएं तो वहाँ पे आप इन सारे चीजों के दर्शन कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने एक मैप दिखा दिया है, इस मैप के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि उजयंता पैलेस यहाँ पे है। ठीक है, और पिलाक यहाँ है, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको बताया था यहाँ है, नीर महल यहाँ पे है, और ये देखिए जामपुई हिल्स जो है ना ये ऐसे दिखती है। मैं आगे कुछ फोटोज आपको दिखा दे रहा हूँ जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसका। तो ये जामपुई हिल्स हो गई, ये हो गया हेरिटेज पार्क जो अगरतला का है वो है, ये उनाकोटी है, यहाँ पे देवी देवताओं की जो मूर्ति बनाई गई आदिवासियों की ये सारी आप देख सकते हैं, ये गुनाबट्टी टेम्पल है उदयपुर का, ये त्रिपुर सुंदरी का टेम्पल है, और ये है उजयंता पैलेस जो त्रिपुरा की शान है, ये है उजयंती पैलेस। ठीक है, पॉलिटिकल में अगर देखें तो यहाँ पे एक हाईकोर्ट है, 60 एमएलए सीट हैं, 2 लोकसभा से सीटें हैं, 1 राज्यसभा से सीटें हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, सीएम कौन है यहाँ के, बिप्लव कुमार देव हैं बीजेपी के, गवर्नर कौन है यहाँ पे, रमेश बायस हैं यहाँ के गवर्नर। तो ये कैसी लगी आपको वीडियो, आप अपने कमेंट में बताइएगा।
और अगर नॉलेज अगर और किसी को चाहिए होगा तो ये आप इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ, ताकि उसको भी त्रिपुरा के बारे में नॉलेज मिल सके। मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि आपको मतलब एक ओवरव्यू तो आपको मिल गया होगा त्रिपुरा के बारे में। अगर कोई आपसे त्रिपुरा के बारे में कुछ भी पूछे तो आप कुछ तो बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनी है, तो आप अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस।